नमस्कार दोस्तों, शेयरिंग विद यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे 80% नंबर कैसे लेके आएं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, जिनको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आता है, जो डेडिकेटेड एंड ज़्यादा विल पावर नहीं रखते हैं, जिनको एक बार पढ़कर याद नहीं रहता है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो 98% नॉर्मल पीपल हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी में वर्क नहीं करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है, रेसिपी है। देखिए, आपको ये रेसिपी जाननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी और अपनी ज़िंदगी में ढालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये स्टडी का खेल। देखिए, कोई भी गेम है, आपको उसके रूल पता होना चाहिए और 80% का जो रूल है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी क्लास है आपकी, चाहे वो फिफ्थ से लेके आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, नॉर्मली आपके 6 से 8 सब्जेक्ट रहते हैं और आपके पास मंडे टू सैटरडे 6 दिन होते हैं। तो देखिए, पहले तो इस फॉर्मूला के कुछ रूल जान लीजिए। इसमें हम आपको पहले ये बताएंगे कि रिवीजन कब करनी है, कौन से कितने सब्जेक्ट्स आपने डेली पढ़ने हैं, आपने वीक सब्जेक्ट्स को कैसे पता करना है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं ये आपने पता करना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास 6 दिन हैं और आप ये पता कीजिए कि कौन से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप वीक हो, आप उसको लिख लीजिए। स्ट्रेटजी नंबर 1, डेली आपने सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। पेपरों से 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं हम नॉर्मल रूटीन में सारा साल की बात कर रहे हैं। अभी जुलाई सेशन शुरू हो गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो हम नॉर्मली एग्ज़ाम से 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं। देखिए, डेली 2 घंटे पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने हैं, 3 वीक सब्जेक्ट्स आप अपने पता लगा लीजिए कौन कौन से हैं। फाइंड आउट करना है आपने कि आप थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट में अच्छे हैं। आपने ये पता लगाना है कि आप मॉर्निंग में उठने वक्त पढ़ने वाले बंदे हैं कि नाइट में ज़्यादा लेट नाइट तक पढ़ने वाले बंदे हैं। देखिए, इन 5 चीज़ों के बारे में आप पहले पता कीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर आपकी ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपने मंडे टू फ्राइडे बेसिकली आपने 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं डेली 1-1 घंटा, और 3 सब्जेक्ट्स आपने वीक सेक्शन पता लगा लेने हैं, उसको आपने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को पढ़ना है, और ट्यूसडे और थर्सडे को आपने 1-1 सब्जेक्ट और स्टडी करना है जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक हफ्ते में आप 7 सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा पढ़ रहे हो, और 3 सब्जेक्ट्स हैं उसको आप 2-2 घंटा पढ़ रहे हो जो आपके वीक सेक्शंस हैं। ये स्टडी का फॉर्मूला नंबर 1 है। सेकेंड बात बताते हैं आपको। देखिए, फिक्स कर लीजिए अपने अलार्म को 1 घंटे के लिए। पढ़ने के ये रूल्स और प्रिकॉशंस हम बता रहे हैं। 1 घंटे के लिए आप अलार्म को फिक्स कर लीजिए। आपने जो टारगेट एरिया करना है 1 घंटे पढ़ने से बैठने से पहले, कि आपने 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं कि आधा चैप्टर पढ़ना है, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है। जब माइंड में ये डिसाइड होगा तो आपकी पढ़ने की स्पीड उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। थर्ड, सारे आपके जो गैजेट्स हैं शट डाउन कीजिए आप, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, होम की डिस्टर्बेंस, ये सारे आपके शट डाउन होने चाहिए। रूम की छत पे बैठ जाइए, घर की छत वाले रूम पे बैठ जाइए, छत पे बैठ जाइए, या किसी पार्क में चले जाइए, या लाइब्रेरी में चला जाइए, या किसी ऐसी जगह चला जाइए जहाँ आपको कोई जानता ना हो। ये 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 2 घंटे आपने डेली पढ़ना है। और पढ़ते हुए जो थ्रेटिकल पार्ट हैं और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको आप ब्लू, ग्रीन, रेड किसी भी पेन से अंडरलाइन करते जाइए, या आपकी नोटबुक्स हैं या रेगुलर बुक्स हैं तो आप पेंसिल से मार्क करते जाइए। देखिए, जब आप इसको अंडर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप अंडरलाइन करेंगे
तो हम आपको बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है रिवीजन के वक्त। जब आप इसको अंडरलाइन करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अंडरलाइन क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में से जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, या आप ईयर्स, एज, सन, कुछ भी आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या इम्पोर्टेंट आपका कोई थ्योरेटिकल वर्ड है। ये है आपकी चार स्ट्रेटजीज, और पहले आपने फाइंड आउट किए हैं अपने पांच रीजंस जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं। 7-6 दिन हैं, 5 दिन हैं आपके पास, और 5 दिन में आपने मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट्स पढ़े, और 2 सब्जेक्ट्स ट्यूसडे और फ्राइडे को पढ़े, और 3 जो वीक सब्जेक्ट हैं वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रिपीट किया। मतलब वीक सब्जेक्ट्स आप 2 बार ही पढ़ रहे हो हफ्ते में। चलिए अब रिवीजन की बात करते हैं। देखिए क्या है कि ज़िंदगी में, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको पर्सनल, जो मेरा इन टच भी रहा है पर्सनल। बहुत लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, जब उनसे 6 महीने या साल बाद हम पूछते हैं कि हाँ भाई इंग्लिश तो आती नहीं है, तूने 6 महीने का कोर्स किया था, तो वो कहता है जी भाई साहब क्या करें कि फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है, सोसाइटी ऐसी नहीं है, और फैमिली में हमारे बंदे भी ऐसे नहीं हैं, मुझे डर लगता है लोग मजाक उड़ाएंगे और मेरी रिवीजन नहीं हो पाई है। पूरी दुनिया में 85% लोग जो सीखते हैं वो इसी कारण इंग्लिश भूल जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हम गाइड कर रहे हैं आपको, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िए, और सैटरडे को आपने 2 घंटे और संडे को आपने 2 घंटे कुछ पढ़ना नहीं है। सिर्फ जो आपने मंडे टू वेडनेसडे पढ़ा है उसको आप फ्राइडे सैटरडे को रिवाइज करोगे, और जो आपने थर्सडे और फ्राइडे पढ़ा है उसको आप संडे को रिवाइज करोगे। अंडरलाइन आप कर चुके हो, रिवीजन आप दोगे आराम से जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है। तो 5 डेज स्टडी है, 2 डेज रिवीजन है। अगर आप इस स्ट्रेटजीज को अपनाते हो रेगुलर, 1 साल जो जितने भी आपका पीरियड है टिल मार्च, 2 महीने से पहले तक, तो गारंटीड है आपके 80% मार्क्स आएंगे, विदाउट एनी एफर्ट आएंगे। जो लोगों की मेमोरी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जो कि विल पावर नहीं है, ये उन लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ मैं। एक फैक्ट्री में एक मशीन ख़राब हुई थी, काफ़ी महंगी थी वो, करोड़ों की, तो सभी को बुलाया गया रिपेयर के लिए। तो उसमें से एक बंदा आया, उसने रिपेयर के लिए उस मशीन को बहुत ध्यान से देखा, और एक जगह उसने हथौड़ा मार दिया और मशीन रन होनी शुरू हो गई है। तो उससे पैसे पूछे गए तो उसने कहा कि 20,000, एग्जाम्पलरी ले रहा हूँ मैं ये। तो ओनर ने कहा कि 20,000 किस चीज़ के दें, ये तो 1 रुपये का काम है। तो उसने कहा 19,999 सिर्फ इस चीज़ के मैं ले रहा हूँ कि कहाँ पे हथौड़ा मारना है, मतलब काम को किस तरह करना है। तो यही आपको ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ कि पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से रिवीजन का फॉर्मूला जो आपको दिया गया है, और जो आपको स्ट्रेटजीज बताई गई हैं 4 की, कैसे आपने पढ़ना है, और वीक सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करके कैसे आप उनको डबल रिवाइज कर रहे हो, तो ये 3 स्ट्रेटजीज के साथ ही आपने अपना हथौड़ा मार देना है और अपने मार्क्स को अच्छी तरह आपने ले लेना है। अब सिर्फ लास्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। देखिए सारा साल आपने 2-2 घंटे पढ़ा, 2 महीने पहले जब आप, आपके एग्ज़ाम से 2 महीने पहले रह गए हैं, तब आपने 2 आवर्स की स्टडी को 3-6 आवर्स कर देना है। स्ट्रेटजीज वही आपकी रहेगी, यहाँ पे ध्यान रखना, 2 घंटे की स्टडी को 6 घंटे कर दिया आपने दिन में 2 महीने पहले, और फॉर्मूला स्टडी का वही रहेगा, मंडे टू फ्राइडे स्टडी, वीक सब्जेक्ट्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 3 वीक सब्जेक्ट्स, और सैटरडे और संडे को आपकी रिवीजन। और उसके बाद जब आपका 2रा महीना गुजर जाएगा और पेपरों का सिर्फ 1 महीना रह जाएगा, तब आपने 8 आवर स्टडी करनी है। वो आप हमारा एक पुराना वीडियो भी देख सकते हो, 8 आवर स्टडी कैसे करनी है। देखिए जब आप 6 और 8 आवर स्टडी करेंगे तो आपको दिन में इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको कहा गया था कि पता कीजिए आप मॉर्निंग जल्दी उठने वाले बंदे हैं कि रात को लेट सोने वाले बंदे हैं। कभी भी अपनी नेचर के अगेंस्ट लड़िए मत, उसको एडॉप्ट कीजिए। अगर आप रात, मैं अपनी बात करूं तो मैं रात को ज़्यादा जाग सकता हूं, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो मैंने सारी ज़िंदगी में स्टडी अपनी लेट नाइट ही की है। आपका जो भी फॉर्मूला है आप उसको अपनाएं, क्योंकि 2 महीने पहले 6 घंटे पढ़ना है और 1 महीने पहले आपने 8 घंटे पढ़ना है,
स्टडी का फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो दिस इज़ द स्ट्रेटजी, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये सभी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मैं 70-80% या मैंने स्कॉलर नहीं बनना है। स्कॉलर मत बीजिए, स्टडी के पीछे मत भागिए, बस एक रूटीन में अपना 2 घंटे नॉर्मल स्टडी कीजिए, स्टडी की टेक्निक्स अपनाइए एंड आप भी एक अच्छे मार्क्स लेके कैंपस प्लेसमेंट में अपने आप को इनपुट डालोगे और उसमें सेलेक्ट होके आपका करियर कम से कम 3 साल आगे चला जाएगा अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, और कैंपस प्लेसमेंट में मार्क्स ही देखे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।